Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your studies properly. So welcome into the class 9th and I am your math teacher. So in previous video, we discussed about the exercise 2.1 and the illustrative examples before the practice exercise 2.2. So today we will discuss about the practice exercise 2.2, which is related to the illustrative examples we solved in before. Previous video. Okay, so let's start from this exercise. The question number 1, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. ओके इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके इसको सॉल्व करना है कैसे, पहले एक्स की वैल्यू 0 रख के, फिर एक्स की वैल्यू माइनस 1 रख के, एंड देन एक्स की वैल्यू 2 को पुट करके. बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको कोई सा भी एग्जांपल देके बताती हूँ. फर्स्ट आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है. x की वैल्यू 0 यानी x की जगह पे 0 लिख दो, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो आपका आंसर ओनली 3 आएगा, तो आपके 3 आ गया. सेकंड वाले में आपको माइनस 1 पुट करना है, किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करना है, तो x के प्लेस पे माइनस 1 देन माइनस 4 फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर देन प्लस 3, तो माइनस 5 माइनस 4 क्योंकि माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3, तो आपके जो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो ये आपके आंसर आ जाएगा. तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल ये नहीं है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको क्या करना है, पहले 0 देन 1 और 2 वैल्यू रखकर आपको पॉलिनोमियल्स जो हैं उनको सॉल्व करना है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है. इस वाले क्वेश्चन में आप पहले y की जगह 0 वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, उसके बाद y की जगह 1 वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, और देन y की जगह 2 वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे. वैसे ही सेकंड में भी पहले t की जगह 0 रखेंगे, फिर t की जगह 1, देन t की जगह 2, और वैसे ही थर्ड और फोर्थ में भी करना है. तो मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताती हूँ. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, पहले आपको टी की जगह 0 लिखना है, तो टी की जगह आप 0 रख के फाइंड करो. तो पहला है 2 प्लस टी, 2 प्लस 0 प्लस 2 टी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 0, तो आपके आंसर ओनली 0 आएगा. उसके बाद नेक्स्ट है पी की जगह 1 पुट करना है, तो P1 में क्या करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर आएगा फिर, और माइनस 1 का क्यूब आएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल हो गए, तो 2 और 2 4, तो आपके इसका आंसर आ गया 4. वैसे आपका थर्ड वाले में आपको 2 पुट करना है, तो P की जगह आपको 2 पुट करना है, तो 2 प्लस 2, T की जगह 2, ठीक है, प्लस 2, T स्क्वायर है तो T स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, फिर माइनस T क्यूब है तो माइनस T क्यूब की जगह 2 का क्यूब, तो 4 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4. तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट में भी आपको बस ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, थर्ड में भी आपको क्या करना है, जो आपका x है ना बेटा, उसकी जगह बस आपको पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, बस x क्यूब की जगह. इसमें क्या x माइनस 1 और x प्लस 1 है, इसमें भी आपको क्या करना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा. इससे पहले 0 पुट करना, फिर 1 पुट करना, फिर 2 पुट करना, इसके आंसर फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकी वैल्यू ये रखने पर 0 होगी या नहीं. ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को हमको यहीं सॉल्व करके बताती हूँ. एक्स की जगह आपको माइनस 1/3 पुट करना है, तो 3 तो एज इट इज़ आ गया. ठीक है, एक्स की जगह माइनस 1/3 रख दिया मैंने, प्लस 1 एज इट इज़ आ गया. ठीक है, अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया. ठीक है, बचा क्या, माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 0, तो यस इसका आंसर हो जाएगा यस. ये इंडिकेट करता है 0 पॉलिनोमियल को. ठीक है, वैसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है.
ठीक है, इसमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाए एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 है, तो आपको x की जो है वहाँ पर 4/5 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 5 तो आपका एज इट इज़ दिया हुआ है। ठीक है, x की जगह आपको क्या लिखना है, 4/5, तो ये 4/5 मैंने यहाँ पे राइट किया। फिर आपको माइनस पाए लिखना है, ठीक है, तो कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन आपके जो आंसर आएगा 4 - π आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे x²-1 है, ठीक है, पहले आपको x की वैल्यू 1 रखनी है फिर x की वैल्यू -1 रखनी है, तो पहले +1 रखते हैं। ठीक है, x²-1, तो पहले +1 रखेंगे तो x² की जगह तो आएगा 1, ठीक है, और -1 एज इट इज़ तो आ गया 0, तो आएगा आंसर यस। क्या आएगा, यस। अब दूसरी बार -1 रखेंगे तो x²-1 का स्क्वायर क्या होएगा, 1 ही होएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया और -1, तो इसके भी यस होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाला क्वेश्चन भी सेम करना है, पहले वैल्यू -1 रखनी है और फिर 2 रखनी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर इसके बाद वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, हमें इसका फोर्थ करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है एक तो x+1 दिया हुआ है और एक हमें x-2 दिया है। ठीक है, इस पे आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पहले तो पुट करनी है आपको -1 और देन आपको पुट करनी है 2, ये आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, उसके बाद 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ये -2x है, ये x है तो माइनस हो जाएगा, तो x²-x - 2, ये आपकी इक्वेशन आ गई। पहले आप x की वैल्यू -1 रखो, इसके दो पार्ट होंगे, पहले हम x की वैल्यू -1 रखें और दूसरा पार्ट होगा x की वैल्यू 2 रखें। पहले x की वैल्यू -1, तो x² की जगह -1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और -1 - 2, -1 तो +1, -1 + 1 -2, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये यस, ये पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। अब 2 रखते हैं, x² की जगह मैं रखूँगी 2, यानी 2 का स्क्वायर, फिर -2 - 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 - 2 यानी कि -4, 4 में से 4 गए तो 0, तो ये भी यस, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी। ठीक है, उसके बाद इसी का फिफ्थ आप खुद कर लेंगे, फिफ्थ में कुछ नहीं करना, x की जगह आपको 0 वैल्यू पुट करनी है, देखो x की जगह 0 वैल्यू पुट करनी है। वैसे ये वाला क्वेश्चन है lx+m, यहाँ पे x की जगह -m/l लिखना है, यहीं पे सॉल्व करती हूँ मैं, l तो आ गया आपका एज इट इज़, x की जगह क्या लिखना है -m/l, तो -m/l मैंने लिख दिया, और +m आपका एज इट इज़ है, तो l से तो l आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या -m + m, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, 8 आपको खुद को करना है, 7th में आपको बता देती हूँ, तो चलो हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसमें x की वैल्यू -1/√3 रखनी है, जैसे कि अपने को क्वेश्चन में दी हुई है 7th वाले में, 3 - -1/√3 का होल स्क्वायर और -1 एज इट इज, 3 - की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार √2 होगा, तो -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि यस, ये पॉलिनोमियल है। फिर आपको नेक्स्ट टाइम में वैल्यू रखनी है 2√3, कौन सी 2√3, तो 3 - 2√3 का होल स्क्वायर -1, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 इसका स्क्वायर किया तो 4 - 3 आ गया -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दो ही चीज़ें प्रूव करनी थी, है या नहीं है, फर्स्ट वाले में है, इसमें नहीं है।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या प्रूव करना है, देखो आपको बताना है कि किस चीज़ पर ये पॉलिनोमियल, इन कौन से केसेस में ये जीरो पॉलिनोमियल होंगे। तो देखो फर्स्ट वाले में जब x की वैल्यू -5 होगी तो ये पॉलिनोमियल हो, तो ये जीरो पॉलिनोमियल होंगे। कैसे, जब आप x की जगह -5 पुट करोगे तो -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा और जीरो आंसर आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -5 रखो, ये जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ पर आप x की वैल्यू +5 रखोगे तो क्या होगा, +5 -5 कैंसिल हो जाएगा तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2x+5 है, तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू रखो कि आपके आंसर जो है ज़ीरो आ जाए। तो आप यहाँ क्या राइट कर सकते हो, सोचो, थिंक अबाउट इट। तो बेटा अगर आप x की वैल्यू -5/2 रखो, 2 × -5/2 +5, सेकेंड वाला बता रही हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5 + 5 बचेगा तो ज़ीरो। हाँ भाई ये प्रूफ हो गया, ये जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसी का आप फोर्थ करते हैं, ये हमने थर्ड किया था, हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ है इसका 3x-2, तो आप इसे क्या वैल्यू रखो कि आपके ये आ जाए। तो ऐसी आप क्या रख सकते हो, सोचो, थिंक अबाउट इट। तो आप क्या करो, 3 की वैल्यू आप रख दो 2/3, x की जगह 2/3 रख दो, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 - 2 = 0 हो गया, ठीक है। अब जो फिफ्थ वाला है उसमें देखो, फिफ्थ वाले में आप क्या रखोगे वैल्यू, फिफ्थ वाले में x की वैल्यू 0 रख दो, आंसर आ जाएगा, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि a/x की वैल्यू आप क्या रखें कि ज़ीरो पॉलिनोमियल ये हो जाए, और बोला है कि आप a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे कि आपके ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाए। तो थिंक अबाउट इट, तो सिंपल है, इसमें भी x की वैल्यू 0 रखो तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। सी अ डियर रियल नंबर, आपको आप ऐसी x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है बेटा जिसमें आपके 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बताती हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है CX+D, ठीक है। आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस, ठीक है, तो आप क्या पुट कर सकते हो, हाँ इसकी वैल्यू आप ये आप क्या करो, x की वैल्यू रख दो -D/C, क्या रख दो, -D/C रख दो। चलो x की वैल्यू रखते हैं C × -D/C + D, ठीक है। तो c से तो की c कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -D + D, तो = 0, तो आ गया 0 पॉलिनोमियल आपके, आखिरी बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म हुआ, उसके बाद तो हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आप खुद से कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो फिर पूछ लेना, और आपको इन स्टेटमेंट्स में बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, और ट्रू फॉल्स आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चंस मैं बता दूंगी, अगर इनमें फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। जब आपके x की वैल्यू ये हो, तो ये दो आप खुद से करना, -2 वाला मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम -2 वाले को सॉल्व करते हैं। पहले आप देखो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, आपको इक्वेशन दी है x³ - 2x² + 3x + 5, ये आपको इक्वेशन दी है। अपन कौन सा वाला, थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं, जब क्या हो -2, तो इसकी जगह -2 का क्यूब, ठीक है, -2 × -2 का स्क्वायर, ठीक है, +3 × -2 और +5, ठीक है। तो -2 × 8 -8 प्लस हो गया, ये माइनस ये हो गया 4 -6 3×2 = 6 और -6 +5 8 × 6 = 14, तो -14 +9, तो 14 में से 9 गए, माइनस हुए आपके, तो 6 आपके ये आंसर आ गया, वो भी माइनस का 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, बाकी तो आप खुद कर ही लोगे। वैसे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स,
ठीक है, आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पहले x हाफ पर फिर x माइनस हाफ पर फाइंड करनी है। तो आप कर सकते हो, पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू हाफ रख दोगे, फिर x की वैल्यू माइनस हाफ रख दोगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, इसमें से मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊँ, मैं इसमें आपको एक तो फोर्थ बता देती हूँ, ठीक है, फोर्थ करते हैं पहले हम, बाकी सब भी फोर्थ जैसे होंगे। सेकंड वाले में आपको क्या है, पहले x की वैल्यू 2 रख के इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर x की वैल्यू माइनस 2 रख के इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत इजी है, अपन ऐसे क्वेश्चन पहले भी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। पहले फोर्थ वाले का, पहले फोर्थ वाले में देखो, पहले आपको y की वैल्यू पाए रखनी है। पहले आप इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन है आपकी 2y² प्लस 3π², ये आपकी इक्वेशन है। कौन से वाले की, फोर्थ वाले की, यही है ना, 2y² प्लस 3π². पहले आपको y की वैल्यू को पाए रखना है, तो मैंने y की जगह रख दिया पाए, तो ये हो गया π² प्लस 3π², दोनों ऐड हो गए तो 5π² आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में आपको पाए की वैल्यू -2π रखनी है, ये तो है आपकी इक्वेशन 2y² प्लस 3π², और इस बार आपको पाई की वैल्यू रखनी है -2π, तो 2 as it is -2π रख दिया वाई की जगह, यानी कि -2π² प्लस 3π² मल्टीप्लाई किया तो -4, ये प्लस हो जाएगा ना, 4 2 8π² आ गया सॉल्व करने पे, और ये हो गया 3π² ऐड किए तो 11π² आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही बाकी क्वेश्चन में भी आपको करना है। ठीक है, थर्ड वाला मैं आपको बता देती हूँ इसका, थर्ड फोर्थ मैंने आपको बता ही दिया, थर्ड में आपको और इसका बता देती हूँ कि थर्ड में आपको क्या करना है। थर्ड आपकी इक्वेशन है 5y² प्लस 4, पहले आपको y की वैल्यू रखनी है -2√5, तो 5 -2√5 का स्क्वायर प्लस 4, तो 5 × 2/5 प्लस 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6। ठीक है, फिर आपको रखनी है 4√5, तो 5 4√5 का होल स्क्वायर, ये नेक्स्ट है ना, 4√5 रखनी है, तो मैंने y की जगह 4√5 रख दिया, प्लस 4, तो 5 × 16/5 प्लस 4, 5 से 5 कैंसिल, और ये 20 आपके इसका आंसर आ गया। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग केस जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू ऐसे रखनी है कि आपके आंसर जीरो आ जाए। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आप एक्स की वैल्यू क्या रखो कि आपके आंसर ये आ जाए, आपको ये सोचना है। तो यहाँ पर बेटा आप x की वैल्यू 3/2 रखना, आपके आंसर आ जाएगा। 3/2 रखना है, यहाँ पर x की वैल्यू आपके ज़ीरो आ जाएगा, करके देखना। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या रखो, y की वैल्यू क्या रखो कि आपके आंसर ज़ीरो आ जाए, y की वैल्यू आप क्या रखो, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस जगह पर जो y है ना, उसकी वैल्यू आप रखना b/a रखना, आपके आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देखना, ज़ीरो आ जाएगा। आपको x ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आंसर ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ y की जगह आप b/a पुट करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके ये आंसर आ जाए, तो आप ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर x की जगह, मैं यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ, 4π तो एज इट इज़ है, x की जगह आप लिखना, मैं बताती हूँ, 3/4π प्लस 3 - 3/4π लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4π से तो 4π कैंसिल हो गया, ओनली -3 + 3 रखा तो 0, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे वैल्यू, -3/4π रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको t की वैल्यू रखनी है, t + 1 का होल स्क्वायर, t - 1 का होल स्क्वायर। पहले यहाँ पर बताती हूँ, इसमें आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, क्या है आपके, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ में आपको दिया है t + 1 का होल स्क्वायर - t - 1 का होल स्क्वायर। ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करो तो t² + 2t + 1 - t² - 2t + 1, अब ब्रैकेट ओपन करो,
तो टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 40। तो आप ये ज़ीरो कब आएगा, जब आप टी की वैल्यू क्या रखो, ज़ीरो, तो ये आपके ज़ीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हमने कर ली है। अब नेक्स्ट कल से हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।